हाय स्टूडेंट्स, वेलकम वन एंड ऑल। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस और कंफ्यूजन, इसका रीज़न क्या होता है और इसके लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन है। स्ट्रेस्ड होना और कंफ्यूज्ड रहना, ये आज हर एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम है और एग्ज़ाम के दिनों में ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और आप लोगों को बिल्कुल ही नहीं घबराना है। टुडे आई एम गोइंग टू गिव अ सॉल्यूशन फॉर दैट। दोस्तों, सबसे पहला रीज़न जो है वो ये है कि आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने को हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बहुत सारा चैप्टर्स है। आप कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या करें, अभी हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उसका जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सोचें। स्टिक टू व्हाट यू आर रीडिंग नाउ। बिल्कुल ही ये ना सोचें कि मुझे बहुत सारा सिलेबस ख़त्म करना है, इस बुक का हर चैप्टर ख़त्म करना है। एटलीस्ट जो अभी आप कर रहे हो, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, और अगर आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हो तो एक दो दिन में वो चैप्टर आप कंप्लीट करोगे, और ऐसे करते करते एक महीने में बहुत सारा चैप्टर्स कंप्लीट कर लोगे। If you study three chapters in a day of different subjects, it means three subjects in a day. It is a decent study you are doing. Second problem आपको इस बात से होती है कि आप दूसरे से अपने आप को कंपेयर करते हो और आप अपने स्टडी पे ज़्यादा फोकस ना करके ये देखते हो कि दूसरे बंदे ने कितना कर लिया। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है। आपके सामने एक स्कोर है जो आपको अटेन करना है। किसी ने टारगेट सेट किया है कि मुझे 80% लाना है, किसी ने किया है कि मुझे 90% लाना है। तो आपके और टारगेट के बीच में कोई नहीं है। आप बस अपना स्टडी करते रहो, अपना काम करते रहो, यू विल गेट द सक्सेस। और आप स्ट्रेस्ड भी नहीं रहोगे, कंफ्यूज्ड भी नहीं रहोगे, सिर्फ आप अपने ऊपर ध्यान दोगे। तो यहाँ पे दो बातों का ध्यान रखना है कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन, और बिल्कुल डिसाइड करें कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट का, और बिल्कुल उसी के बारे में सोचे, और किसी भी चैप्टर या सब्जेक्ट के बारे में उस समय तो ना ही सोचे। आपने एक चैप्टर आज कंप्लीट किया और आप पाते हो कि एक वीक बाद वो चैप्टर आपको याद नहीं है और आप स्ट्रेस्ड हो जाते हो, आप कन्फ्यूज रहते हो। इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है कि जो भी आपने आज पढ़ा है, आप उसका एक छोटा सा नोट बनाइए। उस नोट में आप वो सारी बातें लिखोगे जो आपको समझने में दिक्कत हो रही है, जो ऑलरेडी आपको समझने में ईजी है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपको ऑलरेडी आपको याद है, आपको समझ आती है। जो बात आपको थोड़ा दिक्कत से समझ आई है, उसको बिल्कुल ही नोट करो और फिर दो तीन दिन पे एक बार उसको पलट के देख लो। आपको भी ये बात पता है कि पहली बार पढ़ने में ही ज़्यादा टाइम लगता है, पहली बार पढ़ने और समझने में, रिवीजन में बिल्कुल ही टाइम नहीं लगता। तो आप अगर उसको दो बार अगर रिवाइज़ भी करोगे एक वीक में, तो आप 10-10 मिनट में बहुत अच्छी तरह रिवाइज़ कर पाओगे जो भी आपने आज कंप्लीट किया है। और ये रिवीजन जो है, ये आने वाले वीक में जब आप फिर से उस चैप्टर को देखोगे तो आपको सारी बातें समझ आएंगी और याद होंगी, और आप अपने आप में ही कॉन्फिडेंट फील करोगे, पर्टिकुलरली उस चैप्टर को लेके। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने जो भी नोट्स तैयार किया है वो बहुत ही प्रॉपरली मैनेज्ड हो। नोट्स जो है बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज हो और उसको आपने बहुत ढंग से अलग अलग मैनेज किया। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स एक ही नोटबुक में हर सब्जेक्ट का काम कर लेते हैं और फिर जब उन्हें ज़रूरत होती है तो वो ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाते हैं। ये रीज़न आपको बहुत ही नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने प्रॉपरली मैनेज्ड किया है अपने नोट्स को, अलग अलग नोट्स बनाया है अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, और प्रॉपरली उसको हैंडल करते हैं, तो आप बहुत ही रिलैक्स्ड फील करोगे, रिवीजन करने में आसानी होगी, टाइम का वेस्टेज नहीं होगा, एग्ज़ाम डेज में बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। दोस्तों, प्रॉब्लम्स टेंशन को हम इन्वाइट करते हैं। दोस्तों, हम अपने सिलेबस को लेकर परेशान रहते हैं, अपने आसपास क्या हो रहा है उससे भी हमें परेशानी होती है, पेरेंट्स से भी हमें परेशानी होने लगती है, कुछ कंफ्यूजन रहता है उनके साथ। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इतनी परेशानी क्यों, क्यों ना हम हैप्पीनेस को ढूंढें, क्यों ना हम बहुत सारे चीज़ों को हमेशा ना सोचें और इग्नोर करें, और हम सिर्फ और सिर्फ अपने स्टडीज़ पे फोकस करें, हम उसके बारे में ज़्यादा सोचें और बाकी जो बातें हैं उसको हम बहुत ही लाइटली लें। दोस्तों, आपके परेशान हुए बिना भी सारा काम होगा,
आपके परेशान हुए बिना भी सब कुछ ठीक होगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना परेशान होने में आप टाइम वेस्ट करोगे, आप उतने टाइम को अपने पढ़ाई में यूटिलाइज करो। आप रिलैक्स्ड रहो, एक खुद का वर्ल्ड क्रिएट करो कुछ दिनों के लिए, जिसमें आप सबसे इम्पॉर्टेंट हो। आपका जो भी काम है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ना कि बाहर क्या हो रहा है आप उसमें ज़्यादा परेशान हो। दोस्तों, हेल्दी स्टडी जो है वो 24/7 नहीं होता। आपका जो लाइफ है, आपका जो एक वर्ल्ड आपने बनाया है, उसमें एक बहुत ही सुंदर सा टाइम टेबल होना चाहिए, जिसमें कि आप और भी एक्टिविटीज़ करोगे। पढ़ने के लिए आपने जो भी फिक्स किया है टाइम 8 to 12 आवर्स के बीच में, ड्यूरिंग एग्ज़ाम आप 12 आवर्स तक पढ़ सकते हैं, 14 आवर्स भी पढ़ सकते हैं कुछ लोग, लेकिन नॉर्मल डेज में भी कम से कम 8 आवर्स आप पढ़ें, और उस 8 आवर्स में 3 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करें। आउटडोर एक्टिविटीज़ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है देने को, तो एटलीस्ट 15-20 मिनट्स का वॉक कर लें आप, एक पार्क में एक राउंड लगा लें, और अगर आप किसी स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं तो बहुत ही अच्छा है कि आप एक घंटे किसी स्पोर्ट्स में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये सब स्ट्रेस से बचने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। 10-15 मिनट्स आप म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, तो आपकी स्टडी आवर्स के बीच में छोटा छोटा ये गैप जो है, ये आपको स्ट्रेस फ्री रखेगा, आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे, बहुत ही हेल्दी फील करेंगे। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट फॉर सम टाइम, फॉर 10 मिनट्स, आप अपने कंप्लीट बॉडी को रिलैक्स्ड करके लेटे रहें। ड्यूरिंग दिस किसी भी बॉडी पार्ट में कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स रहें। फेस को बिल्कुल रिलैक्स रखें, आइज़ को क्लोज रखें और बिल्कुल सिंपली लेटे रहें। दोस्तों, 10 मिनट ऐसा करने से आपको कमिंग 3 आवर्स तक का रिफ्रेशमेंट मिलता है। दोस्तों, जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये प्रैक्टिस में है, लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं। विद दिस नोट आई रैप अप हियर एंड आई एक्सपेक्ट कि आप बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेंगे, बहुत ही रिलैक्स्ड रहेंगे। लव यू ऑल गाइज़।